नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान सभी देवीय मंदिरों में इन दिनों भक्तों का तांता लगा हुआ है और माता रानी की आराधना की जा रही है। धार जिले के दिखठान में मालवा की वैष्णो देवी के नाम से विख्यात मंदिर में भी इन दिनों दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर दर्शन का लाभ ले रहे हैं। यहाँ एक ही पत्थर पर महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की मूर्ति विराजित है और मंदिर की महिमा अपरंपार है। नवरात्रि के पहले दिन से ही भारी संख्या में भक्तों की भीड़ यहाँ पहुंचने लगती है और कई गांव से लोग चुनरी यात्रा के रूप में यहाँ पहुंचते हैं और माता रानी को चुनरी चढ़ाई जाती है। आज इस वैष्णो देवी मंदिर परिसर में सांप्रदायिक सद्भावना की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली, क्योंकि मंदिर के ठीक सामने मस्जिद है और आज शुक्रवार होने की वजह से मस्जिद में दोपहर में नमाज अदा की जा रही थी। इस समय सांप्रदायिक सद्भाव का जो माहौल था वह देखने लायक था, क्योंकि एक तरफ मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन का दौर चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मस्जिद में काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कर रहे थे। कहीं कोई तनाव नहीं था, हालांकि एहतियात के तौर पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। धार के एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार ने खुद सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रखी थी और मंदिर परिसर में और साथ ही मस्जिद में भारी भीड़ के बावजूद शांति व्यवस्था बनी रही। आज कचहरी पीपलिया से एक विशाल चुनरी यात्रा भी दोपहर में मंदिर पहुंची, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु थे और उसी समय नमाजी भी नमाज अदा कर शांतिपूर्ण तरीके से रवाना हो रहे थे। इस माहौल ने शांति और सद्भावना की एक अनूठी मिसाल पेश की है और यही इस देश की पहचान है।